हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का वेलकम है चैनल में। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश पैडागोजी का एमसीक्यू इवेल्युएशन चैप्टर का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किए हैं। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का इवेल्युएशन चैप्टर का वीडियो देख लें, देन आफ्टर आप हमारे पार्ट 3 का वीडियो देखें। चाहते हैं कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य वॉच करें, ताकि आपको हर कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जेटेट और सीटेट के लिए, झारखंड टेट और आपका सेंट्रल टेट के लिए। ये सब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी कारण से आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य वॉच करना है। आइए देखिए, चैप्टर आपका है इवोल्यूशन, मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट कहता है, मूल्यांकन कॉन्सेप्ट मीन विचार क्या है। इन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन एक लर्निंग सीखने का है। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था, मूल्यांकन जो कॉन्सेप्ट है ये सिखाने के लिए इंट्रोड्यूस्ड किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जोहानसन, ऑप्शन क्या है ए जोहानसन, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रेड, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रेड, ऑप्शन सी अल्पॉट एंड ऑप्शन डी बी एस ब्लूम। चलिए फ्रेंड्स, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन का इंट्रोड्यूस्ड मतलब कि प्रसारित किया गया था। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एस ब्लूम के द्वारा। मिस बी एस ब्लूम ऑप्शन नंबर डी में है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का लर्निंग जो इंट्रोड्यूस्ड बताया गया था, वो बी एस ब्लूम के द्वारा बताया गया था। हम समझें कुछ यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंस मीन्स इवोल्यूशन का क्या महत्वपूर्ण है, जरा हम उसके बारे में भी हम लोग आइए जरा सीखते हैं। आइए बताते हैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन महत्वपूर्ण क्या है मूल्यांकन का। इवोल्यूशन हेल्प्स द टीचर, मदद करता है शिक्षक को टू नो वेदर द टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो टीचिंग शिक्षण का जो होता है तरीका, एडॉप्टेड वा सक्सेसफुल, कितना हद तक उसे सक्सेसफुल सफलता एडॉप्ट प्राप्त कर सकता था और नहीं। इट हेल्प्स द टीचर, ये टीचर मदद करते हैं टू नो हाउ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कि कोई भी विद्यार्थी सक्सेसफुल सफलता कैसे प्राप्त सके, वर इन लर्निंग न्यू स्किल्स, नया कौशल की तरह से कोई भी स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल प्राप्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दैट इज आई डॉट इज जब दिखाई पर इसको पढ़ते हैं, दैट इज एल एस आर डब्ल्यू, एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, R for reading, W for writing, ये देर आर फोर मेन बेसिक स्किल्स हैं जो एग्जाम के लिए हर एक परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि एल एस आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, या तो इसके सही कर्म को बताइए। तो एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इवेल्युएशन ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स, इवेल्युएशन जो है ये स्टूडेंट्स को भी हेल्प्स कर मदद करती है डिटरमाइन विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स मोर अटेंशन, और ये बताता है कौन सा एरिया जो है ज्यादा जरूरत है उसके रिक्वायर करता है, उस जरूरत को ही देखने का काम करता है। आइए हम देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बताएं कि आप इवोल्यूशन क्या इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण कितनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न के अनुसार ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के न्यू पैटर्न के अनुसार इवेल्युएशन इज ए एन डैश प्रोसेस,
मतलब कि देखिए एजुकेशन की जो न्यू पैटर्न है उसके अनुसार एवेल्युएशन को कौन सा प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन ए बाइपोलर, ऑप्शन बी ट्राइपोलर, ऑप्शन सी यूनिपोलर एंड ऑप्शन डी ऑटोमेटिक। बताइए कि एजुकेशन के न्यू पैटर्न के अनुसार इवेल्युएशन को कौन सा प्रोसेस कहा जाता है। बाइपोलर, बाय मतलब होता है दो, ट्राइपोलर ट्राई मतलब होता है तीन, और देखिए दिया यूनिपोलर मतलब होता है बहुत सारा, और हो गया ऑटोमेटिक मतलब होता है खुद से कर लेना। तो एजुकेशन जो न्यू पैटर्न के अनुसार इवेल्युएशन कौन कैसा प्रोसेस है, तो फ्रेंड्स इवेल्युएशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। मींस टू का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कोई पूछेगा कि न्यू पैटर्न के अनुसार एजुकेशन ओ इवेल्युएशन में कैसा प्रोसेस है, कहना होगा आपको ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। मींस टू का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ट्राइपोलर प्रोसेस है। आइए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। देखिए द इवेल्युएशन प्रोसेस इन लर्निंग इज, इवेल्युएशन प्रोसेस को लर्निंग में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव, कैसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। ऑप्शन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कैसे दोनों कहते हैं, क्वालिटेटिव भी कहते हैं मतलब जो क्वालिटी हो गुण हो, क्वांटिटेटिव मतलब होता है जो मात्रा के रूप में रखा गया मात्रात्मक के रूप में। ऑप्शन सी क्वालिटेटिव मतलब जिसमें क्या हो कोई ज्यादा क्वालिटी हो मतलब गुण टाइप का हो, और ऑप्शन डी है डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है किसी चीज को लिखावट के रूप में बताना उसे डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि द इवेल्युएशन प्रोसेस इन लर्निंग इज, वो कौन सा प्रोसेस कहा उसे क्या कहेंगे। प्रोसेस इन लर्निंग में देखिए दोनों होगा, एक क्वालिटेटिव भी होगा मतलब गुण को भी दिखाएगा क्वालिटी किस टाइप का है, और एक है आपका क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी के रूप में मतलब कि मात्रा के रूप में भी बताने का काम करेगा। इवेल्युएशन प्रोसेस क्या है, एक क्वालिटेटिव भी है और सेकंड आपका एक क्या है क्वांटिटेटिव भी है। मीन्स थर्ड का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पूछे एग्जाम में आपको द इवेल्युएशन प्रोसेस इन लर्निंग इज आपको कहना हो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड VVI। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो एक लाइक अवश्य कर दें, और अधिक से अधिक इसको शेयर वीडियो को आप जरूर करें। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, इवेल्युएशन प्रोसेस इज लर्निंग इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे जरूरी जो हिस्सा उसे कौन सा कहा जाता है, जरूरी हिस्सा जो है कौन सा कहा जाता है आपको ये बताना है। आइए समझते हैं पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है क्या, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन एक टूल होता है, क्या कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ टूल टू कंटिन्यूसली मॉनिटर अ स्टूडेंट प्रोग्रेस इन अ नॉन थ्रेटनिंग सपोर्टिव। ये क्या है, लगातार कोई वर्क होने वाला वर्क होता है मॉनिटर स्टूडेंट के लिए जो प्रोग्रेस करता है उसे फॉर्मेटिव कहते हैं। सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो हमारे पर्यावरण में है, इट इन्वॉल्व शामिल होता है इसमें रेगुलर फीडबैक, लगातार फीडबैक उसे बैक क्या मिल रहा है। ए चांस फॉर द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स को एक चांस मिलती है कि अपने अपने जो है परफॉर्मेंस को और भी अच्छा कर सके, एंड इम्प्रूव अपॉन इट बाई टेकिंग एडवाइस, और अपने आप को बड़ा हद तक सुधार कर सके उसकी सलाह की ओर। कुछ इसके फीचर्स हैं, देखिए क्या है फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट आर, अगर समझते इसके फीचर्स को गुण को,
इट इज डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल, ये डायग्नोस्टिक और रिमीडियल होता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड देता है फॉर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग, और ये स्टूडेंट्स को कुछ सीखने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। इट इनेबल्स टीचर्स टू एडजस्ट टीचिंग, ये टीचर्स को शिक्षण करने में बढ़ावा देता है। टू टेक अकाउंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट, और बताया जाता है कि मूल्यांकन के द्वारा परिणाम कितना बढ़िया से इसमें निकल सके। चलिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको हम बताएं। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा जो है एसेंशियल पार्ट, एक जरूरी हिस्सा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, मीन्स रचनात्मक मूल्यांकन का। ऑप्शन ए स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू मीन्स वन एंड टू मीन्स स्टूडेंट और टीचर, और ऑप्शन डी आइदर वन और टू, या तो वन या तो दो होगा। एसेंशियल पार्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट के दोनों के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी, विद्यार्थी के लिए एंड टीचर्स मीन्स शिक्षक के लिए भी होता है। जो भी हम बताएं आपको फीचर्स फॉर्मेटिव असेसमेंट का और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बताएं, दोनों का यूज होना बहुत जरूरी है, एसेंशियल पार्ट होता है, एक स्टूडेंट्स का जरूरी है और एक टीचर्स के हैं, दोनों का कह सकते हैं वाइस वर्सा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ वन एंड टू कह सकते हैं, फोर्थ का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स क्या बोले, रचनात्मक मूल्यांकन एंड इवेल्युएशन और मूल्यांकन फोकस ऑन डैश ऑफ लर्निंग, ये फोकस किस लर्निंग पे किया जाता है, ये फोकस किस लर्निंग पे होता है। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए ओनली प्रोसेस, क्या सिर्फ प्रोसेस के द्वारा फोकस सिर्फ प्रोसेस किया जाता है। ऑप्शन बी ओनली प्रोडक्ट, क्या सिर्फ प्रोडक्ट को बताया जाता है, प्रोडक्ट किस टाइप का मिलेगा, क्या चीज आपसे बेनिफिट इससे है। ऑप्शन सी बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, क्या दोनों होगा, प्रोसेस भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप लोग समझिएगा स्टूडेंट्स कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है मूल्यांकन एंड इवेल्युएशन फोकस ऑन डैश ऑफ लर्निंग, ये फोकस किस चीज पे लर्निंग में की जाती है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या बताएं कि होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ये फोकस दोनों पे की जाती है, ओनली प्रोसेस पे और ओनली प्रोडक्ट पे की जाती है, मीन्स कह सकते हैं बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों पे ये फोकस की जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। मीन्स फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, मीन्स फिफ्थ का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। पहले कर लीजिएगा इसमें आप भी आई कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए कभी कभी जेटेड और सीटेड में फुल फॉर्म भी किसी चीज का पूछ लिया करता है, तो ये हम इवेल्यूशन चैप्टर में एक फुल फॉर्म भी लेके आए हैं। देखिए क्या है, आई ई पी स्टैंड्स फॉर, मुझे बताना है आपको आई ई पी का फुल फॉर्म क्या होगा, आई फॉर क्या होगा, ई फॉर क्या होगा और देन लास्ट पी फॉर क्या होगा। आई फॉर देखिए दिया है, ए ऑप्शन में इंटरनेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, ऑप्शन बी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियल एजुकेशनल प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी है इंटर एजुकेशनल प्रोग्राम। तो यहां पे देखते होंगे सिर्फ आई पे डिफरेंस किया गया, एजुकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम देखिए आपका सम में वो क्या है, कॉमन है, तो आई ई पी स्टैंड्स फॉर क्या होगा बताइए आपका। ये इंडस्ट्रियल औद्योगिक खाद के लिए हो सकता नहीं, इंटर करना है कहीं वो हो सकता नहीं है, बच गया आपका दो, आई पी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, एक होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम।
तो ये इंडिविजुअल मतलब होता है सबके लिए एक पर्याप्त मात्रा में होती है, तो आईईपी का फुल फॉर्म होगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, मीन सिक्स्थ का बी करेक्ट आंसर होगा। आपको कहना है आईईपी का फुल फॉर्म इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ये होगा करेक्ट आंसर होगा, सिक्स का बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए वर्ड आया है कंक्रीट मतलब होता है मूर्त, या तो कह सकते हैं ठोस रूप देना को बोलते हैं कंक्रीट। ऑपरेशनल स्टेज एक ऐसा स्टेज है रेफर्स टू दोज लर्नर्स हु आर, जो लर्नर्स मतलब जो सीखते हैं उसे कहा जाता है हु आर, कौन है। ऑप्शन ए एट मिडिल लेवल, क्या वो मिडिल लेवल के होते हैं। ऑप्शन बी टोडलर्स, देखिए टोडलर्स मतलब देखिए बताते हैं क्या होता है, नन्हा बच्चा होता है। ये क्या बताएं टोटल में क्या हो गया, नन्हा बच्चा। क्वेश्चन कहता है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रेफर्स टू दोज लर्नर्स, किस लर्नर्स को जो हैं एट मिडिल लेवल के मध्य स्तर के होंगे, टॉडलर्स नन्हा बच्चा के रूप में, एडल्ट्स देखिए वर्ड आया है आपका एडल्ट्स मतलब होता है किशोरावस्था के रूप में, और एक होता है आपका एडोलेसेंस, इसको बोलते हैं कब, जब किशोर या तो कह सकते हैं 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच, मिस कह सकते हैं आप 13 से 19 के बीच वाले को एडोलेसेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रेफर्स टू दोज लर्नर्स हु आर, उसे क्या कहेंगे, उसे देखिए कहेंगे एडल्ट्स। एडल्ट्स मतलब होता है 19 साल से ऊपर वाले को एडल्ट्स कहा जाता है, मतलब कहेंगे किशोरावस्था, नव युवक जो होते हैं उसे कहते हैं आफ्टर 19 इयर्स। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रेफर्स टू दोज लर्नर्स, उस लर्नर्स को कहते हैं जिसके वो क्या होंगे, वो एडल्ट्स होंगे। मीन्स सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रेफर्स करता है एडल्ट्स को, रेफर्स किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट है किस चीज का असेसमेंट है। ऑप्शन ए एट लर्निंग, क्या एट लर्निंग के लिए है, इन लर्निंग लर्निंग में के लिए है, फॉर लर्निंग लर्निंग के लिए फॉर, या तो बोलेंगे ऑप्शन डी ऑफ लर्निंग। अब देखिए फिर से कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो है कुल टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के, देखिए क्या क्या है वो आपके हैं टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट आर फॉलोज, कुछ देखिए बताया गया है, चलिए आइए हम समझते हैं अब कुछ इसके टूल्स और टेक्निक्स के फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का, आइए देखते हैं क्या क्या हैं उसके। देखिए टूल्स और टेक्निक्स, क्वेश्चंस टूल्स टेक्निक्स क्या होंगे, एग्जामिनेशंस। देखिए क्वेश्चंस क्या औजार का काम करता है और टेक्निक्स क्या है, वो एग्जाम लिए जाते हैं क्वेश्चंस के द्वारा। नेक्स्ट टूल्स आपका है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, मतलब होता है किसी चीज का अवलोकन करना, टेक्निक्स क्या हो गया असाइनमेंट्स के द्वारा देना, वो हो गया आपका टेक्निक्स। नेक्स्ट देखिए आपका है टूल्स इंटरव्यू शेड्यूल, टेक्निक्स देखिए हो जाएगा क्यूजेज एंड कॉम्पिटिशंस, इसके क्या होंगे टेक्निक्स होंगे, इंटरव्यू शेड्यूल का टेक्निक्स होंगे क्यूजेज एंड कॉम्पिटिशन करवाना। नेक्स्ट टूल्स देखिए आपका है चेकलिस्ट, इसके टेक्निक्स होंगे प्रोजेक्ट्स, मतलब चेकलिस्ट में आपको क्या करना है प्रोजेक्ट्स बना के दिखाना है, वो हो गए टेक्निक्स। नेक्स्ट टूल्स हो गए आपके रेटिंग स्केल, और इसके आपके टेक्निक होंगे डिबेट्स होंगे, इसके आपके टेक्निक्स। नेक्स्ट देखिए आपका है टूल्स एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इसके टेक्निक्स होते हैं
इलोक्यूशन, क्या कहेंगे, इलोक्यूशन होंगे इसके, टेक्निक्स होंगे। नेक्स्ट आपके टूल्स हैं डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट का जो है दस्तावेज का एनालिसिस किया जाता है, विस्तार के रूप में बताया जाता है, तो इसका टेक्निक हो जाएगा आपका ग्रुप डिस्कशन। लोग क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं ग्रुप में, मतलब ग्रुप बना के लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते, उसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशंस। नेक्स्ट आपका देखिए टेस्ट एंड इन्वेंटरीज, ये टूल्स हैं, अगर इसके बात किया टेक्निक्स को, ये हो जाएंगे आपके क्लब एक्टिविटी, हो जाएंगे इसके टेक्निक्स। नेक्स्ट आपके टूल्स हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस, इसके हो जाएंगे वो टेक्निक्स, हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च, मतलब क्या है एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी चीज को शोध करना, रिसर्च करना, किसी चीज को खोजना, वो हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस का आपका हो जाएगा टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च हो जाएगा। तो ये सब कुछ थे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में जो करवाए, क्या क्या टूल्स हैं और कैसे इसमें टेक्निक्स को बताया गया। आइए फिर हम आते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन था फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट क्या चीज है, तो ये लर्निंग के लिए है। सबसे देखिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका असेसमेंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से इज नॉट अ लेजिटिमेट, मीन्स होता है उचित, या तो कह सकते हैं वैध होता है इसका मीनिंग, कह सकते हैं इसका होता है इसका मीनिंग उचित। तो कह सकते हैं इसको बोलेंगे एक और नाम से वैध कहेंगे, उचित, या तो आप इसको वैध भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है लेजिटिमेट का पर्पस, एक उद्देश्य ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, मीन्स शिक्षा में मूल्यांकन का इस उचित या तो वैध में कौन सा नहीं है, नॉट मतलब होता है कौन सा नहीं है। आइए आते हैं ऑप्शन ए की ओर, टू रैंक द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, क्या जो है लर्नर्स को रैंक दिया जाता है उसके मार्क्स के अनुसार से। ऑप्शन बी टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, क्या फाइंड बताया जाता है कि व्हाट एक्सटेंट, क्या होना चाहिए करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा have been achieved लोग प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, मतलब अलग तरीके से पहचान की जाती है, एंड स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर्स, और जो स्पेशल्स होते हैं मतलब जो खास तौर पर जरूरत होती है जो सीखने वाले को, उसको देखा जाता है। ऑप्शन डी टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इम्प्रूव की जाती है, मतलब और भी सुधार किया जाता है। ये बिल्कुल आपका सही है, ये आपका जो है उचित वैध होना चाहिए। और आइडेंटिफाई क्वेश्चन जो आता है ये भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन है इंडिविजुअल स्पेशल के लिए, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब पाठ्यक्रम को देखा जाता है क्या होना चाहिए, हैव बीन अचीव्ड जो लोगों ने प्राप्त किया है, ये भी क्या है आपका फिट होगा। देखिए ऑप्शन ए कहता है कि टू रैंक द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, बेसिस ऑफ मार्क्स के द्वारा कोई लर्नर्स को रैंक की जाती है, तो यहाँ पे असेसमेंट का एजुकेशन में कुछ टाइप का कुछ रखा नहीं जाता, कोई मेन उद्देश्य नहीं रहता है, कोई उचित वैध ऑप्शंस नहीं है। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 देखिए आपका है समेटिव असेसमेंट इज, समेटिव होता है योगात्मक मूल्यांकन। अब देखिए योगात्मक मूल्यांकन होता क्या है, दिस इज कैरीड आउट, हम इसे कैरी कर सकते हैं एट द एंड ऑफ कोर्स, कोर्स के लास्ट में। अब देखिए समेटिव कहते किसको है, कोर्स के लास्ट में होता है, ऑफ जो लर्निंग सीखते हैं, इट मेजर्स और सम्स अप। अब देखिए समेटिव बना किससे है, देखिए सम से बना है,
समिस क्या होता है, जोड़ना। अब समेटिव इसका मतलब जोड़ना भी कर सकते हो, योग कर सकते हो, मतलब क्या होता है मिला के करना, इसी का बना है इसका, मिला के करना, योग करना, मतलब बन गया योगात्मक, मतलब हो गया मूल्यांकन। तो किसी भी एंड कोर्स के एंड की जो मिला की जो काम वर्क की जाती है उसे हम समेटिव कहते हैं। सम्स अप मतलब होता है पूरा ऐड करना, पूरा जोड़ देना। हाउ मच कितना, ए स्टूडेंट हैज लर्न कितना बच्चे सीखे हैं फ्रॉम द कोर्स, पूरे कोर्स में उसको मिला के क्या है दी जाती है। इट इज यूजुअली अ ग्रेडेड टेस्ट, ये सहायता क्या है, टेस्ट जो है लिया जाता है ग्रेड के रूप में। ए सर्टिफाई, सर्टिफाई किया जाता है कि द लेवल ऑफ अचीवमेंट कि लोगों की कितनी पर्याप्त मात्रा में स्तर अच्छी पहुंची है। ओनली एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कुछ समय दिया गया था और उस समय के अनुसार कोई भी स्टूडेंट्स कितना आगे बढ़ सके हैं, उतना ग्रेड पॉइंट कितना बढ़िया हो चुका है, तो वो चीज को कहते हैं समेटिव असेसमेंट। आइए कुछ इसके फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ समेटिव असेसमेंट, आइए तो समझते हैं इसे कुछ फीचर्स को। तो सब क्या क्या, आइए देखिए क्या क्या इसके फीचर्स हैं समेटिव असेसमेंट का। देखिए फीचर्स ऑफ समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट मेथड्स एक तरीका है, आर द मोस्ट ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल पारंपरिक हो गया है वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट्स के वर्क को बताने का काम करती है समेटिव असेसमेंट्स। नेक्स्ट है देखिए पॉइंट आपका, समेटिव असेसमेंट आर ऑफन जनरली हाई स्टेक्स मीनिंग दे हैव अ हाई पॉइंट वैल्यू, इसका बताता है ये हाई पॉइंट वैल्यू को ही बताते का काम करता है। इन समेटिव असेसमेंट द टेक्निक, एक टेक्निक यूज्ड इन एग्जामिनेशंस जो एग्जामिनेशंस में सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। एंड द टूल्स एक औजार है यूज्ड इन पेन एंड पेपर टेस्ट, जो ऐसा टूल्स है जिसका प्रयोग पेन और पेपर के रूप में किया जाता है, मतलब कि पेन पेपर में टेस्ट दी जाती है। अब देखिए एग्जामिनेशंस के लास्ट में जो एग्जाम पूरा मिला के हो जाता है, जैसे पहले 40 मार्क्स का हुआ फिर 80 हुआ, लास्ट में पूरा मिला के किया जाता है 100 मार्क्स का, तो उसमें क्या करते हैं पेन और पेपर से कोई भी स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, उसी को कहते हैं समेटिव असेसमेंट। दिस टेस्ट, यह टेस्ट में इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें इंक्लूड शामिल किया जाता है इस टेस्ट में। ऑब्जेक्ट टाइप मतलब हो गया देखिए क्या चीज, एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चंस उसके चार ऑप्शन से कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मतलब होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर आपको बिल्कुल एक या दो लाइन में देना है, उसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मतलब कोई क्वेश्चन लिखा है आपको 6 से 10 लाइन के बीच में आंसर देना है, उसे कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस टाइप का पैटर्न होता है आपका समेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट देखिए इसके फीचर्स हैं, क्वेश्चंस एज अ टूल, एक टूल्स औजार आर प्राइमरली यूज्ड इन एग्जामिनेशंस, इसका यूज किया जाता है एग्जामिनेशंस हॉल में। एंड टू फाइंड आउट, सो खोजा जाता है कि व्हाट चिल्ड्रेन नो, बच्चे कितने जानते हैं, थिंक सोचते हैं क्या, एंड फील क्या महसूस करते हैं, उसके बारे में टेस्ट दी जाती है समेटिव असेसमेंट के द्वारा। ए गुड टेस्ट इन इंग्लिश शुड बी बेस्ड, बेस्ड होता है ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्स के इन आवर स्कूल्स, अपने स्कूल्स के आधार पर, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ, विकास किया जाता है किसका, देखिए लिसनिंग का मतलब सुनने का, स्पीकिंग मीन्स बोलने का, रीडिंग मीन्स पढ़ना, एंड राइटिंग स्किल्स मतलब राइटिंग मतलब लिखना इन द स्टूडेंट्स को, मतलब देखिए LSRW जो बताएं आपको ये 4 बेसिक स्किल्स होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या वो लिसनिंग किसी चीज को सुनते हैं, देन स्पीकिंग फिर वो बोलते हैं, देन आफ्टर रीडिंग फिर उसको पढ़ते हैं, देन आफ्टर लास्ट क्या करते हैं वो राइटिंग उस चीज को लिखने का काम करती है। ये कुछ फीचर्स थे आपके समेटिव असेसमेंट्स के। आइए कुछ इस पे हम आते हैं क्वेश्चंस पे।
ये क्वेश्चन कहता है सबमिट विद असेसमेंट इज क्या होता है। ऑप्शन ए असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एक लर्निंग होता है, सीखने में मदद करती है। ऑप्शन बी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, देखिए यहाँ पे इन मतलब में, ऑफ मतलब का। ऑप्शन सी असेसमेंट एज लर्निंग, लर्निंग के रूप में। कि ऑप्शन डी असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब होता है लर्निंग के लिए होता है। अब देखिए सम्मेटिव असेसमेंट जो होती है उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब क्या है असेसमेंट मूल्यांकन का, ऑफ मतलब हो गया का, लर्निंग के सेंस में कहा जाता है। मीन समेटिव असेसमेंट कहा जाए तो बोलिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसका करेक्ट आंसर मीन्स 10th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। कंटिन्यूअस कंप्रिहेंशन इवेल्युएशन, देखिए क्या हो गया फुल फॉर्म CCE, क्या बताएं कंटिन्यूअस कंप्रिहेंशन इवेल्युएशन इज है, क्या है वो। देखिए ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ लर्नर्स वाइल लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स जो लोग सीखते हैं। ऑप्शन बी पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स, जो एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है पीरियोडिक कंडक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी कंटिन्यूअस टेस्टिंग, क्या लगातार किसी चीज की टेस्ट की जाती है, जांच की जाता है। कि ऑप्शन डी कंटिन्यूअस असेसमेंट, की लगातार किसी चीज की मूल्यांकन की जाती है। तो कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार, कोई वर्क लगातार होने का बोध करवाना, ये समझ गए। कंप्रिहेंशन मतलब होता है समझ, और इवेल्युएशन मतलब होता है मूल्यांकन, इच क्या है। अब देखिए जब बता दिए कंटिन्यूस मतलब लगातार कोई होना, देखिए ऑप्शन लगातार किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में देखिए नहीं कंटिन्यूस, ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए नहीं है पीरियोडिक कैंडिडेट ऑफ एग्जाम नहीं है। ऑप्शन सी देखिए है कंटिन्यूअस टेस्टिंग, क्या लगातार इसमें किसी चीज की टेस्ट मतलब जांच की जाए। और ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस असेसमेंट, क्या लगातार जो है इसमें मूल्यांकन की जाए। अब देखिए कंप्रिहेंस कंटिन्यूअस कंप्रिहेंस मतलब समझ होती है, मतलब इसमें मूल्यांकन की चीज होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है, डी आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन का पार्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं की लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दें, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि कोई भी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू पेयर्स टू एक्सचेंज देयर नोटबुक्स, एक टीचर डिवाइड करते हैं कुछ क्लास के पर मतलब जोड़ा, टू एक्सचेंज देयर नोटबुक्स, उसके नोटबुक्स को एक्सचेंज कर देते हैं। एंड मेक करेक्शंस एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द टीचर, टीचर के डायरेक्शंस के अनुसार। व्हाट डज सी डू, तो क्या उसे करना चाहिए, वो क्या करते हैं, वो क्या करती है, देखिए क्या करते हैं उसके बच्चे। हर क्लास मतलब क्या होगी, लड़की के क्लास में बच्चे डिवाइड कर देते हैं, उसके नोटबुक मतलब कॉपी को एक्सचेंज करते थे, क्या करने के लिए, मेक करेक्शंस करने के लिए मतलब साइन करने के लिए। तो टेस्ट लिया गया है, इस कॉपी दे दिया उस गर्ल्स को, उस कॉपी दे दिया उस गर्ल्स को, तो व्हाट डज सी डू, क्या करती है। ऑप्शन ए करेक्शन करती है, ऑप्शन बी ग्रुप असेसमेंट करती है, ग्रुप के द्वारा मूल्यांकन करती है। कि ऑप्शन सी असेसमेंट करती है, कि ऑप्शन डी पीयर असेसमेंट करती है। अब देखिए क्या होती है कि वो उसको देखती है, वो उसको देखती है, मतलब क्या होता है कि जब वो किसी को, टीचर्स जो है नोटबुक को एक्सचेंज कर दिए हैं, लोगों को डिवाइड कर दिए हैं, तो वो क्या करते हैं कि व्हाट डज सी डू, वे लोग क्या करती है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए फिर से, कि क्या है कि बच्चे को किसी के नोटबुक्स को एक्सचेंज कर दिए, ये उसको दे दिया गया, वो उसको दे दिया गया, करेक्शंस करने के लिए। तो डायरेक्शंस ऑफ टीचर, करेक्शंस क्या होगा, वो लोग क्या करती है, तो वो लोग ताक झांक करती है कि वो किसका क्या मूल्यांकन सही है, क्या किस टाइप का है। तो पीयर मतलब होता है ताकना या तो देखना,
पियर मतलब क्या होता है, देखिए पियर मींस होता है आपका ताकना, मींस उसे कहते हैं पियर असेसमेंट कहते हैं, मींस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, या तो ताकना या तो झांकना इसे कह सकते हैं, वो काम वो लोग करती है। ये आज का देखिए वैल्यू चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू।